हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। एकदम प्रोफेशनल इनवॉइस आप बनाएंगे और इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एडिटिंग भी जानने की जरूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। अगर आपको बेसिक भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आता है तो भी आप बना सकते हैं और वो भी मिनटों में बना सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, इसके लिए हमको जाना है लेफ्ट साइड में ऊपर के रिबन में फाइल टैब पर। ये देखिए फाइल टैब यहाँ पे मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर राइट साइड पे मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहां पर आपको सर्च ऑप्शन में टाइप करना है इनवॉइस। ये ध्यान रखिएगा कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस सर्किल पे क्लिक कर दीजिए राइट साइड पे। तो ये देखिए, इसने सर्चिंग शुरू कर दी है। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे इनवॉइस के फॉर्मेट आ गया, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम ये पहला वाला ले लेते हैं, हमने इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पे आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल वगैरह सारी चीजें चेंज करनी है खाली, बस। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल पी दबाऊं यानी कि प्रिंट कमांड दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए एकदम प्रोफेशनल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनवॉइस बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे।